सनातन संस्कृति कहती है कि हम मनु महाराज के वंशज हैं। ये हिंदुस्तानी सभ्यता है, बाकी विदेशियों की सभ्यता तो न जाने क्या क्या तर्क देती है। डार्विन की रिसर्च कहती है इंसान पहले क्या था, बंदर था, और फिर विकसित होते 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 जैसे जैसे विकसित हुआ फिर इंसान बन गया। अब इनको कौन समझाए, अगर बंदर ही इंसान बन गए होते तो चलो हम तुमको लेके चलते हमारे वृंदावन में, बंदरों का भरमार है, एकाद बंदर को तुम भी इंसान बना के दिखाओ तो हम भी माने। अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, समय है, सब कुछ है, किसी दो चार बंदर को बना के दिखाओ इंसान। ऐसे शरारती बंदर है, तुमने छू भी दिया तो 10 किलोमीटर दूर भागोगे। वृंदावन के बंदर पूरी दुनिया में मशहूर है, चश्मा पहन के तुम जा सकते नहीं, हाथ में सामान लेके जा सकते नहीं। तुम चश्मे पहन के गए और उन्होंने देखा तो चश्मे लेके जाएंगे, और लेके जाना तो छोटी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वृंदावन के बंदर इतने समझदार हैं, उनको मालूम है कहाँ पहनना है, वो खुद दीवार पर चश्मे लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे वानर हैं, इनको इंसान बना के दिखाओ तो पता चले भाई हाँ सच में इंसान पहले बंदर हुआ करता था। जब सनातन संस्कृति ने हजारों वर्ष पूर्व ये लिख दिया, और हर चीज मैं आपसे बार बार ये कहती हूं कि हमारा जो सनातन धर्म है ये कोई तथाकथित मनगढ़ंत बातों पर नहीं बनाया गया है, इसमें एक बहुत बड़ा तथ्य समाया है जिसको आज विज्ञान हजारों वर्ष बाद ढूंढ रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसको करोड़ों वर्ष पूर्व ढूंढ लिया था। आज तुम एक हवाई जहाज बनाते हो और ये कहते हो देखो इंसान कितना विकसित हो गया, एयरप्लेन बना दिया, हम उड़ रहे हैं हवा में, लेकिन पहले के समय तो ऐसे विमान होते थे पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं थी, मन से बस कहो कि यहाँ जाना और मन से पहुंच जाते थे। आज तुम्हारे पास मिसाइल है, अस्त्र है, शस्त्र है, आप रामायण पढ़ते होगे, रामायण देखते होगे, महाभारत देखते होगे, ऐसे ऐसे बाण हुआ करते थे, एक एक बाण में से 100-100 बाण निकलते थे, कोई बाण ऐसा है बाण चलती सबको नींद आ जाती थी, कोई बाण ऐसा था बाण चलती वर्षा हो जाती थी। इतना हमारा प्रभावशाली धर्म रहा है, इसको मनगढ़ंत नहीं बनाना चाहिए। विज्ञान कहता है कि 3 चीजों से दुनिया बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही हमारा धर्म भी कह रहा है, बस नाम बदल गए। हमारे धर्म ने कहा दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, नाम बदला। हम कह रहे हैं इस संसार की सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश ने की है, और विज्ञान कहता है इस संसार को गॉड ने बनाया है। अब आपसे कोई पूछे गॉड की फुल फॉर्म क्या है, तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है, बनाने वाला, प्रकृति को बनाने वाला कौन है, ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है, विष्णु जी जो पालन करते हो। डिस्ट्रॉयर संहार करता, बाबा भोलेनाथ। अब वही सीधी सी बात है, तुम उनको गॉड कहते हो, हम उनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, बात तो एक ही है। यानी जिस दिन ये विज्ञान सबसे ऊंची शिखर पर पहुंचेगा ना, उस दिन वो देखेगा कि हमारा सनातन धर्म वहां पहले से बैठा है। इसलिए अपने धर्म को कभी कम मत आंकना। हम ये भारतवर्ष की गर्व की बात है कि हमको हिंदू धर्म में सनातन परंपरा में जन्म लेने का अवसर मिला, हमको भारतवर्ष में जन्म लेने का अवसर मिला। हम भारतीयों के अंदर और कुछ हो ना हो, लेकिन हम भारतीयों के अंदर संस्कार ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति को महान बनाता है।